हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। मैं हूँ जीशान। दोस्तों, झारखंड में बंपर भर्ती निकली है, जिसमें कि 3500 से ज़्यादा वैकेंसी है और इसमें 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक, ITI, MBA, MCA, BTEC के नीचे बहुत सारे आपको एजुकेशन जो डिग्री है आप उसमें भर सकते हैं। इसकी जो दोस्तों जो डेट है वो 31/10/18 को है, उस दिन जाके आप भर सकते हैं। मैं सब बताऊंगा आपको कहाँ जाना है, आपको किस जिला में जाना है झारखंड के। और आपका सैलरी जो है दोस्तों 25,000 से 30,000 तक आपको मिलेगा। इसको अप्लाई जल्दी से कर दीजिए। चलिए मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। देखिए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान का उसमें आया है, चलिए इसको दिखाते हैं बड़ा करके आपको। ये देखिए, आपको जो श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग है जामताड़ा का, जिला नियोजनालय जामताड़ा, वो से निकाला है वैकेंसी रोजगार मेला का। देखिए मैं सब दिखा रहा हूँ आपको, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए ये स्थान कहाँ है, JBC 2 मैदान जामताड़ा, यहाँ पर जाना है आपको। चल दिखा रहे हैं आपको, राज्य के बेरोजगार युवाओं युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजित कराने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय जामताड़ा के तत्वावधान में दिनांक 31/10/18 को, जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले जिसमें मैंने बताया अभी कि 31/10/18 को पूर्वाहन 10 बजे से JBC+2 स्कूल मैदान जामताड़ा में द तोमपद ठेगड़ी रोजगार योजना अंतर्गत रोजगार मेला 18 का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला में निम्नांकित से उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है, यानी इतने जो है आपके कंपनी आ रहे हैं। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको कौन कौन सी कंपनी आ रही है, क्या क्या पोस्ट है, कितने वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज क्या है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कि नहीं मांगा गया, और सैलरी क्या है। देख लीजिए, ये आपका पहला जो है एक्सजेंट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें इतने पोस्ट हैं, वैकेंसी दिखा रहा है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, एज दिखा रहा है, उसका एक्सपीरियंस किसी में है किसी में नहीं है, और सैलरी तो दिखा रहा है 7,500 से 10,000 तक है, किसी में 10,000 से 15,000 तक है, 8,000 से 12,000 है, इसमें बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर आपका होप केस सर्विसेज लिमिटेड है, पटना का है, उसके बाद CIDC बोकारो है, सब पोस्ट हैं उसमें, सब कुछ दिखा रहा है, वैकेंसी एज वगैरह सब कुछ। इसको आप देख लीजिएगा, इसका जो PDF का जो लिंक है, ये लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत सारे हैं, देखिए इसमें रांची की कंपनी है, पटना की है, वेरिटास टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट है, इसमें सैलरी देखिए MCA BTEC का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, देखिए सैलरी देखिए 10,000 से 20,000 तक है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा सैलरी है। देखिए यहाँ पर आपका 30,000 तक सैलरी गया है, यानी बहुत अच्छा अच्छा इसमें सैलरी मिल रहा है। देखिए बहुत सारे कंपनी है, जामताड़ा का भी कंपनी है आपका, जामताड़ा दुमका कंपनी है, जामताड़ा है ना, टोटल जो है 15 कंपनी आई है दोस्तों, इसमें बहुत सारे लगभग 3500 वैकेंसी है, इसमें मैट्रिक से लेकर 8वां पास से लेकर आपका MBA MCA ग्रेजुएशन सब फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो एज है वो 18 साल से लेकर 35 साल 45 साल तक के लोग भर सकते हैं। सैलरी भी इसमें अच्छा दिया गया है, इसमें जो दिखा रहा है आपको क्या क्या लेके जाना है, देखिए नोट में, रोजगार मेला में भाग लेने वाले नियोजकों एवं प्राप्त रिक्तियों की विवरणी, विस्तृत विवरणी से संबंधित सूचना झारखंड सरकार की वेबसाइट जो है झारखंड रोजगार NIC.IN और jamtada.NIC.IN पर उपलब्ध है दोस्तों। अभी मैंने चेक किया, ये दोनों में नहीं है, इसमें एक दो दिन में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे वीडियो के नीचे से ये पूरा PDF को पा सकते हैं। रोजगार मेला में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को झारखंड के किसी भी निर्णयालय में निबंधित होना अनिवार्य है, यदि वह पूर्व में निबंधित ना हो तो रोजगार मेला से पूर्व अपना निबंधन स्थानीय नियोजनालय में निश्चित रूप से करा लें। सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्र के साथ, मूल एवं फोटोकॉपी के साथ रोजगार मेला में उपस्थित होने का कष्ट करें। क्या क्या मांग आपको मांगा जाएगा, देखिए शैक्षणिक आईडी, जो आपको क्वालिफिकेशन जितना भी डिग्री है सबको लेके जाना है, और फोटो का आईडी प्रूफ क्या क्या ले जाना है, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, DL, आधार कार्ड, नियोजनालय निबंधन कार्ड एवं 4 फोटो के साथ आपको जाना है पूर्वाहन 10 बजे से 4 बजे तक। कब? 31/10/18 को आपको होना है उपस्थित। रिक्ति निजी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए रिक्ति की शर्तों के लिए सीधे नियोजक उत्तरदायी है दोस्तों। ये रहा आपको पूरा, रोजगार मेला में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का भत्ता देना ही होगा दोस्तों, ये रहा पूरा डिटेल्स, इसको आप मेरे वीडियो के नीचे से पा सकते हैं, पूरा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से अपलोड करके देख लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, और दोस्तों को इस PDF को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और नौकरी को आसानी से पा सके। दोस्तों आप चाहते हैं कि इस तरह वीडियो आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।